सो दिस इज़ माई वीज ओके एज ऑलवेज वेलकम टू माई चैनल प्लीज़ अच्छा लगे तो स्प्राइड करना और सेकेंड थिंग की एवरी टीचर का वे वे ऑफ टीचिंग डिफरेंट होता है मेरा थोड़ा अलग होगा शायद तो आई होप कि आपको पसंद आए कुछ भी कमी लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ठीक है प्लीज़ uh, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एज ऑलवेज ए यूट्यूबर ऑलवेज वॉन्ट दिस ए टीचर ऑलवेज वॉन्ट अप्रिसिएशन डेट्स लाइक मी ओके सो

टूल्स ऑफ रिकॉमेंडेड एन ए टेक्नलॉजी एंड प्रोसेस क्या है वॉट इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉमेंडेड एन ए टेक्नलॉजी एंड हाउ इट इज हेल्पिंग अस ओके सो बायोटेक्नोलॉजी किसके साथ डील करती है डील्स विद लाइव ऑर्गेनिज्म के साथ में एंड एनजाइम ऑफ ऑर्गेनिज्म के साथ में डील करती है ठीक है टेक्निक्स ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिज्म और एनजाइम ऑर्गेजम को यूज करना है ठीक है यूज करके क्या बनाना है हमें प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेस यूजफुल हुए हैं जो कि ह्यूमन के लिए है. ठीक है जैसे 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 पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और नीड्स ओवर नीड्स आर कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग वी वॉन्ट्स कि हमारे जो प्रोडक्ट्स है जो थिंग्स है वो क्या हो फास्ट हो ठीक है जो हमें मिल रही है चीजें वो क्या हो थोड़ी फास्ट हो ठीक है और हमें क्या है इन लेस मतलब हमें ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मिले हमें क्या चाहिए प्रोडक्टिविटी किसी भी चीज़ की क्या चाहिए ज़्यादा चाहिए हमारा खर्चा कम हो लेकिन हमारा मुनाफा ज़्यादा हो एक तरीके से कहा जाए तो तो बायोटेक इसीलिए क्या करती है हेल्प करती है ठीक है ये चाहती है कि आपके जो प्रोडक्ट्स बने और जो प्रोसेस यूजफुल टू ह्यूमन्स वो क्या हो इफिशियंटली बने ठीक है ज़्यादा बने अच्छी तरह से बने फालतू तो चीज़ें उसके अंदर नहीं हो तो बायोटेक्नोलॉजी इसी का यूज है यहाँ पे ठीक है ओके सो इन देंस मेकिंग कर ब्रेड और वाइन विच आर ऑल माइक्रोमीडिएट प्रोसेस कुड ऑल्सो भी थॉट ऑफ इज फॉर बायोटेक मतलब बायोटेक के लिए जो ओल्ड ट्रेडिशन है ओल्ड व्यू है वो कहता है कि कट दही बनाना घर के अंदर ब्रेड वाइन सब बनाना जो की माइक्रोमीडिएट प्रोसेस है ये भी एक बायोटेक है ओके okay? हमें क्या चाहिए बायोटेक को इंप्लीमेंट क्यों करना है क्योंकि ये सब चीजें हमें जेनेटिकली मॉडिफाइड करके ऑर्गन और और से हमें क्या चाहिए लार्ज स्केल में चीज मैंने बताया ठीक है थेके? कुछ अदर प्रोसेस जो भी बायोटेक्नोलॉजी के अंदर है, है, मूवी की जैसे एक, gene, एक, gene को करना, gene, vaccine, एक को बना जैसे कोविड वैक्सीन सेम बायोटेक से बनी थी डिफेक्टिव जीन ठीक है डिफेक्टिव को क्या करना करेक्ट करना इन सब का क्या है इन सारी प्रोसेस के अंदर क्या बायोटेक्नोलॉजी की प्रोसेस यूज में आ रही है okay. एक फेडरेशन आई बायोटेक्नोलॉजी की यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी बहुत फेमस है इसने एक डेफिनेशन की इसने कहा कि जो ये नेचुरल प्रोसेस ना जो नेचुरल मतलब जो ट्रेडिशनल व्यू है आपका उसको भी इसने इंक्लूड किया और जो मॉडर्न व्यू दोनों को इंक्लूड करके इन्होंने एक डेफिनेशन दी डेफिनेशन क्या कहती है कि ट्रेडिशनल मॉडर्न उसने कहती है कि इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस ठीक है ये स्टामा करा इंपॉर्टेंट है इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म मतलब नेचुरल साइंस की जो इंटीग्रेशन है उसके साथ साथ में हमारे ऑर्गिज्म उनकी सेल या उनका कोई भी पार्ट या उनको मोलिकुलर एनालॉग से यूज करके प्रोडक्ट और सर्विस को बनाना उनका इंटीग्रेशन करना ठीक है प्रोडक्ट एंड सर्विस के लिए वो क्या है बायोटेक्नोलॉजी है ओके प्रिंसिपल बायोटेक के अंदर दो कोर चीज इंक्लूडेड टू कोर थिंग्स है ना जो क्या करती है बर्थ देती है इनेबल करती है बर्थ मॉडर्न जी पहली जेनेटिक इंजीनियरिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग ये कहती है कि हमें क्या करना है अल्टर करना है ठीक है डीएनए जेनेटिक मटेरियल क्या कहती है कि हमें क्या करना है जेनेटिक मटेरियल की जो केमिस्ट्री है केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल को अल्टर करना है ठीक है और इंट्रोड्यूस करना है हॉस्ट के ऑर्गेनिज्म के अंदर हॉस्ट के अंदर इंक्लूड करना है जिससे क्या उसका फिनोटाइप चेंज हो उसकी जो जो दिख रहा है वो चेंज हो ठीक है

लार्ज क्वाटी में डेलींसुल नीड होती है। तो हमने क्या किया बाइपोस को यूज मिल गया इंजीनियन को यूज मिली और क्या किया इंसुलिन को लार्जर क्वान्टिटी में बनाना स्टार्ट कर दिया ठीक है डिजायर्ड माइक्रोब को इंसुलिन के जो माइक्रोव है जो इंसुलिन बना रहा है उसको डिजायर नंबर में इंक्रीज कर दिया बनाना ठीक है इजी ये पैरा भी समझ में आ गया नेक्स्ट पैरा क्या, क्या कह रहा है कि वट इज बेनिफिट ऑफ सेक्शुअल रिपोडक्शन वट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या कहता है और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्या बेनिफिट है एसेक् रिपोर्डक्शन जैसे आपने पढ़ा होगा अमीबा के अंदर होता है ठीक है अमीबा ए सेक्शुअल रिपोर्डक्शन करता है अब अमीबा के अंदर क्या हुआ प्रिजर्व प्रिजर्व रहता है जेनेटिक जेनेटिक ऑलवेज कुछ होने की कैपेबिलिटी ही नहीं है जीन जो पहले था वो ही जीन है जब तो जीन ही चेंज नहीं हो रहा है तो जब प्रोबेबिलिटी ऑफ चेंजिंग क्या है जीरो ठीक है इसलिए कहते हैं ना कि अमीबा क्या है आपने पढ़ा होगा अमीबा इज इमोरल अमीबा क्या है इमोरल है ठीक है इमोरल क्यों है क्योंकि भाई जीन चेंज नहीं हो रहा है तो हमें लगता है कि ये अमीबा अमीबाई क्या हो गया

एंड इट विल प्रोड्यूस वेरिएशन यू आर नॉट सिमिलर टू योर ग्रांड मदर आप अपने ग्रांड मदर के ग्रांड फादर के आप अपने फादर मदर से कुछ ना कुछ वेरिएशन लेके पैदा हुआ है उनमें कुछ सिमिलरिटीज थी लेकिन कुछ वेरिएशन भी आपकी नोश लंबी हो सकती है या छोटी हो सकती है उनकी नोश की डिजन होगी तो वेरिएशन है यूनिक कॉम्बिनेशन है ये यूनिक कॉम्बिनेशन क्यों जरूरी है रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है क्यों बेनिफिट है क्यों क्योंकि ये क्या कर रहा है मैं हेल्प कर रहा है किसम हेल्प कर रहा है आप आपके माता पिता से ज्यादा अच्छे दिखें ज्यादा इंटेलिजेंट दिखें इसलिए आप क्या चाह रहे हैं कि आप नीट यूजी क्रैक करें आपके माता पिता डॉक्टर हो नहीं हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं लेकिन दे ऑलवेज थिंक कि मेरा बच्चा क्या हो इंटेलिजेंट हो तो ये वेरिएशन आ रहा है ये सब सेक्शुअल प्रोडक्शन से आ रहे हैं हो सकता है कि आपकी मदर टेंथ पास हो, हो सकता है कि आपकी मदर नाइन्थ पास हो लेकिन ब्रेन बहुत अच्छा हो ब्रेन का यूज नहीं लिया गया हो क्या पता उनके जो नाना है जो उनके ग्रांड फादर है उन्होंने सिखाया नहीं उनको ठीक है सेम विद फादर लेकिन उनके बच्चे ऑटो रिक्शा वाले के बच्चे आई कैसे बनते हैं क्योंकि उनमें वेरिएशन है दे हैव कैपेबिलिटी टू रीड ओके सेम यू हैव टू कैपेबिलिटी ठीक है कैपेबिलिटीज है आपने की मेहनत जरूरी है ओके okay? जो सेक्सुअल प्रोडक्शन अब इसने कहा कि ये जो सेक्सुअल है सेक्सुअल प्रोडक्शन के जो वेरिएशन आ रहे हैं ये हमें कुछ जो यूनिक कॉम्बिनेशन दे रहे हैं जो हमें कैपेबिलिटी दे रहे हैं जो हमें फायदा पहुंचा रहे हैं ये सारा का सारा इसके लिए इसको क्या करते हैं ट्रेडिशनल लोग थे जो फार्मर लोग थे ठीक है जो फार्मर वाले लोग थे जो किसान लोग थे और जो जैसे अभी भी जो वेटनरी डॉक्टर होते हैं ठीक है ये सारे इसको यूज करते हैं वेटनरी डॉक्टर अभी भी क्या करते हैं जो बेस्ट पीरियड होती है जो की जो जो बेस्ट पीरियड होती है ज्यादा दूध देती है उसको क्या करते हैं से क्या करते हैं फर्टिलाइज कर है कर है। कर है, है, करवाते हैं वो ठीक ठीक है है आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल करवाते करवाते हैं 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 लेते लेते सीमन उसके अंदर इंट्रोड्यूस जिससे जो ब्रीड आती है वो एक्सपेक्ट करते हैं कि ये वाली जो ब्रीड बनेगी दुधारू होगी बहुत सारी गाय देगी ठीक है बहुत सारी गाय नहीं बहुत सारा दूध देगी सॉरी बहुत सारा दूध देगी ठीक है इसी प्रकार मेंडल ने भी सोचा मेंडल ने ये सोचा कि जो भी सारे प्लांट को ग्रो करूं मैं जिस भी प्लांट को लूं जिस भी प्लांट को लू उसको ग्रो करूँ वो प्लांट हमेशा क्या हो लॉन्ग हाइट का हो ठीक है हमेशा क्या हो लॉन्ग हाइट का हो लेकिन कभी कभी क्या होता था अनडिजायरेबल अनडिजायरेबल ही क्या होता था वो चाहता नहीं था कि स्मॉल स्मॉल हाइट हाइट का का लेकिन कभी कभी क्या कि क्या, कभी? क्या होता था होती थी भी ट्री क्या होता था प्लांट क्या होता था उगता था ठीक है ग्रो होता था सिंपली तो ये क्या है कि ट्रेडिशनल जो हाइब्रिडाइजेशन है ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन किस पे फोकस करता है डिजायरेबल जीन पे लेकिन उसमें अनडिजायरेबल जीन भी क्या हो सकती है अपीयर हो सकती है ठीक है ट्रेशनल लिखा हुआ है टेस्टन प्रोजर यूज इन जीन जो हमें नहीं चाहिए उनका भी हो जाता है थीके? तो करता है वो ये चाहता है कि हम क्या करें ओनली हम क्या करें ओनली इस लिमिटेशन को ओवरकम करता है ठीक है हम क्या चाहते हैं ओनली कि डिजायरेबल जीन ही हो हमारे पास क्या है ओनली डिजायरेबल जीन जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या करता है कि वी नीड ओनली डिजायरेबल जीन ओके हमें क्या चाहिए ओनली

ओके okay. तो हमने जब इस डीएनए को इंटीग्रेट कर दिया किसके साथ में किसके साथ इंटीग्रेट कर दिया वेन इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड विद ए होस्ट डीएनए इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड एक के साथ जैसे ही हमने इंटीग्रेट कर दिया ठीक है इंटीग्रेटेड इट में इट में मल्टीप्लाई एंड इनहेरिटेड विद नेक्स्ट जनरेशन ये मल्टीप्लाई हो सकता है और इनहेरिटेड हो सकता है किसके साथ में नेक्स्ट जनरेशन के साथ में. तो ये कॉन्सेप्ट है ठीक है कब हो सकता है जब इसे इंटीग्रेट किया ठीक है बिकॉज ऑफ ऑफ डीएनए बिकम पार्ट ठीक है अब पे क्या है क्रोजोम के पार्ट होने से क्या फायदा मिला एक ओरिजिन मिल गया ओ ओरिजिन ऑफ ओरिजिनकेशन ठीक है सिंपल यदि कहा जाए कि डीएनए का एक पार्ट है डीएनए के पार्ट के अंदर क्या होता है एक, एक सिक्वेंस होता है इसे ओ आर आई कहते हैं यदि ये आर आई इस क्रोमोजोम के अंदर प्रेजेंट है तो यहाँ पे जो जो एंजाइम हो क्या करेंगे आगे प्रोसेस करेंगे और इस पूरे का क्या हो जाएगा रेप्लीकेशन हो जाएगा कॉपीज बन जाएंगे ठीक है तो एक डीएनए के एक सेगमेंट के अंदर डीएनए के एक सेगमेंट के अंदर ठीक है डीएनए के एक सेगमेंट के अंदर ये एबिलिटी नहीं है ठीक है थीके? इसको हमें क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा किसके साथ में होस्ट के क्रोमोजोम के साथ में ठीक है द मल्टीप्लिकेशन लाइन लिखी हुई है नीड टू बी अ पार्ट ऑफ क्रोमोजोम एक क्रमोजोम का पार्ट होना पड़ेगा उसके अंदर भी होना कौन सा ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन ठीक है सो ऐसा एलियन डीएनए एन ए लिंक हो जो कि ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन के साथ में ठीक है वो रेप्लीकेट कर सकता है और मल्टीप्लाई कर सकता है इसको होस्ट के ऑरिजिन के साथ में ठीक है ओके दिस कैन मल्टीप्लाई करना सेम नंबर ऑफ कॉपीज बनाने को क्या कहा हमने क्लोनिंग ठीक है तो क्लोनिंग का मतलब क्या होता है मल्टीपल नंबर ऑफ कॉपीज आइडेंटिकल कॉपीज बनाना फ्रॉम वन ठीक है ओके फर्स्ट इंसान क्या हुआ डिस्कवरी की एक्चुअली क्या एक पॉसिबिलिटी थी एक स्टैनली कोहेल जो एक साइंटिस्ट था जो कि अलग जगह था बॉय और एक अलग जगह पढ़ते थे वो दोनों एक, एक क्या हुआ एक मीटिंग में मिले एक सेरेमनी के अंदर मिले एक कोई प्लाजमेट के अंदर कोई वो चल रही थी ठीक है मीटिंग चल रही थी प्लाजमेट के ऊपर उसके अंदर मिले ठीक है इन्होंने देखा कि यार मैंने एक कोराई का एंजाइम क्या हुआ है मैंने डिस्कवर किया है तुमने प्लाजमिट की कैपेबिलिटी डिस्कवर की है तुम्हारे वहाँ पे तो हम क्यों ना एक मतलब ऐसा कुछ करेंगे हम क्या करें एक जीन मिक्स कर पाए तो ये हुआ कि उन्होंने सोचा थिंक कि देर इज ए पॉसिबिलिटी कि हम एक जीन जो एनकोड करता है एंटीबायोटिक को एंड उसको एक प्लाजमेट आल्बोना टाइफियम की जो उसके साथ लिंक कर दें तो क्या वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस शो करेगा या नहीं करेगा ठीक है तो ये सबसे पहले किसने खोजा स्टेनले कोहेन एंड रिबर्ट बॉयर 1972 के अंदर इन्होंने डिस्कवर किया उन्होंने क्या डिस्कवर किया कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लिंकिंग ए जीन एक जीन की पॉसिबिलिटी है जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के साथ एनकोड करता है उसको नेटिव प्लाज्मा में ने ऐड करने की ठीक है इन्होंने क्या किया इसको किसको ना इसको किसको जीन आइसोलेट कर लिया ठीक है इन्होंने इस वाले को आइसोलेट कर दिया ठीक है जो कि क्या करता है एंटीबायोटिक रेस्टेंट जीन इसको आइसोलेट किया ठीक है इस प्रकार से ठीक है डन इजी ठीक है अब इसके अंदर क्या कैपेबिलिटी थी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट की ओके डन

प्लाज्मा के साथ ही क्यों किया ये कि ये देखो प्लाज्मा ये की लिखी हुई है उन्होंने ठीक है ये लिख रहा हूँ नेक्स्ट पेज पे तो प्लाज्मा जो ऑटोनोमस रेप्लीकेटिंग रेप्लिकेटिंग मतलब सेल्फ रेप्लिकेटिंग अपने इसके पास अपनी क्या है खुद की मशीनरी है क्या है खुद की मशीनरी है ठीक है खुद की मशीनरी का मतलब खुद के एंजाइम है खुद का आई है खुद का सब कुछ है ठीक है ये सर्कुलर होता है और एक्स्ट्रा क्रमोजोम होता है ठीक है यदि एक बैक्टेरिया को देखें हम ठीक है जैसे एक बैक्टेरिया को देखें हम ठीक है तो ये बैक्टेरिया क्या है मेन क्रोमोजोम लेकिन ये जो है ये ये सर्कुलेटरी एक्स्ट्रा क्रोमोजोम डीन है ये ठीक है एक्स्ट्रा क्रोमोजोम के अलावा है ठीक है खुद रो कर सकता है ठीक है इसके अंदर कुछ फीचर है इसके एडिशनल प्रॉपर्टी देता है किसी बैक्टीरिया को जैसे रेजिस्टेंट दे रहा है एंटीबायोटिक के अंदर इन हार्श कंडीशन के अंदर सर्वाइव करने की कैपेबिलिटी दे रहा है ये सब क्या कर रहा है इलाज में प्रोवाइड करवा रहा है ओके दो डिस हुए थे एंजाइम ठीक है साथ में अभी थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ पहले एक बार ओवरऑल देखिए देर टू एज रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्स रेस्ट्रिक्शन रेस्ट्रिक्शन इट है इन साइड द न्यूक्स मतलब एक जो क्रोमोजोम के इन वाले पार्ट को कट करेगा ठीक है नॉट फ्रॉम आउटसाइड इन द इन साइड इसका जनरल ने फेमस है सीजर कटिंग वाले को सीजर बोलते हैं सिंपल मॉलिकुलर सर मतलब मॉलिकुलर लेवल पे काट रहा है आजिकुलर लेवल पे काट है ठीक का है कटिंग एट ए स्पेसिफिक लोकेशन का स्पेसिफिक लोकेशन पे कट कर, कर रहा है और डीएनए लाइगेज क्या है मतलब एड करना ग्लू मतलब एड करना याद रख रो ठीक है थी? भूलना नहीं इस पर बहुत सारी है बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं नीट सिक्सटीन में सेवनटीन में ठीक है नीट सिक्सटीन बताया था ना मैंने ठीक है कटिंग ऑफ एन एन की से हुआ? हुआ? वजह है, है? ठीक अब देखो एंडो के बारे में बात करते हैं देखो अब ये वाला पैराग्राफ लाइन टू लाइन नहीं जा रहा हूं मैं सिंपल समझा रहा हूँ देखो ये कोई क्रोमोजोम का है ये सारा कोई क्रोमोजोम है ठीक है इसका हमें ये वाला डिजायर पार्ट चाहिए थी, ठीक है ये वाला डिजायर पार्ट चाहिए थी, तो हमने क्या किया

वेक्टर है जो कि एडिशनल प्रॉपर्टी रख रहा है कौन सी प्रॉपर्टी रख रहा है एंटीबायोटिक की क्योंकि हमारा डिजायर जीन के अंदर क्या थी प्रॉपर्टी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी थी तो ये वाला जो प्लाजमेट है ये क्या रखा है अभी इसको क्या कहा हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाला प्लाजमेट ठीक है रिकॉम्बिनेंट डीएनए और ये क्या रख रहा है एडिशनल प्रॉपर्टी रख रहा है क्या प्रॉपर्टी कि भाई आपने एक प्रॉपर्टी है कि आप क्या करेंगे एंटीबायोटिक रेस्टेंट शो करेंगे ठीक है अब ये वेक्टर के रूप में काम कर रहा है वेक्टर क्यों क्योंकि ये हमारा इस वाली जीन को क्या कर रहा है लेके जा रहा है लेके जा रहा है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में लेके जा रहा है सेम लाइक मलेरिया मलेरिया किससे होता है बच्चों बैक्टीरिया से इम्पॉसिबल मलेरिया बैक्टीरिया से होता है क्या मॉस्किटो से मॉस्किटो से भी नहीं होता है मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम जो की एक प्रकार का क्या है प्रोटोजोआ है मॉस्किटो क्या करता है वेक्टर है आपके भाई में हो रहा है ठीक है आसपास देखना यदि एक मलेरिया केस आया तो दो तीन मलेरिया के केस हो रहा है क्योंकि वो मच्छर क्या कर रहा है वेक्टर है वो प्लाज्मोडियम को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा है सेम ये वाला है ये वाला जो है ये वाला जो अपना थिंग है ये वाला ये भी वेक्टर है ये क्या कर रहा है अपनी जो इसकी प्रॉपर्टी वो एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा है ठीक है इसलिए वैक्टर का तेरा एम्पल ऑफ वैक्टर बैक्ट्री है है भी वैक्ट्री के अंदर यूज में ले रहे हैं ठीक है डिपेंड ऑफ साइज ठीक है

सेम लिखा हुआ है द लिंकिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन विद द प्लाज्मिक वेक्टर ठीक है बिकम पॉसिबल विद द एंजाइम डीएनए लाइगेज मुझे पता है डीएनए लाइगेज क्या कर रहा है ऐड कर रहा है लिंक कर रहा है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को प्लाज्मिड के वेक्टर के साथ में ठीक है विच एक्ट एज ऑन ए कट डीएनए मॉलिक्यूल के ऊपर काम किया और ज्वाइन कर दिया उनके एंड को ठीक है और नॉन कॉम्बिनेशन यही रहा प्लाज्मिड के साथ कॉम्बिनेशन बन गया ठीक है सेम, ठीक है। तो शायद इतना समझ में आ गया होगा अब देखो अब हुआ क्या मैं समझाता हूँ आपको यहाँ पे ठीक है सिंपल बहुत ईजी है इतना समझ में आया तो इसको हम थोड़ा और देखते हैं ठीक है इसको हम बड़ा करते हैं यहाँ पे लाते हैं देखो अब देखो यहाँ पे एक कंसेप्ट है जो समझ में आएगा हमने क्या किया प्लाजमिट है जो हमारा ये वाला ठीक है इसको इको आर आई इको आर आई क्या है रेस्ट्रिक्शन है ठीक okay, है ओके रेस्ट्रिक्शन हमने इस वाले प्लाजमेट को भी कट किया और फॉर एन डी एन ओ को कट किया हर्बर्ड बॉय को दिक्कत आई थी क्या दिक्कत आई थी जब वो प्लाजमेट को काट रहा था ठीक है तो जो इको आर आई वन रेस्ट्रिक्शन वो यहां से भी काट रहा था वो यहाँ से भी कट कर रहा था वो यहां से भी कट कर रहा था वो यहाँ से भी कट कर रहा था ठीक है इसलिए उसने क्या लिया स्पेसिफिक लिया जो कि क्या कर रहा है उसके लिए एक ही साइट अवेलेबल थी ठीक है उसने क्या किया यहाँ से को कट किया रीजन ऑफ इंटरेस्ट अब इस प्लाजमेट के, अंदर, इस के अंदर क्या डाला हुआ है? पहले से डाला हुआ है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट ठीक है थीके? और ये हमारा क्या है फॉरेन डीएनए फॉरन डीएनए के अंदर क्या है क्या कर रहा है हमें चॉकलेट दे रहा है ठीक है चोको दे रहा है ठीक है चॉकलेट दे रहा है प्रोवाइड करने के लिए जो फॉरन डी ने चॉकलेट बनाया ठीक है ये रीजन ऑफ इंटरेस्ट है जो चॉकलेट हमने दोनों एक आर आई से किया इकोआरआई से याद करके क्या बन गए सेम सिमिलर वाले कट बन गए स्टिकी एंड से अब आएगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये स्टिकी एंड को क्या किया हमने हाइब्रिडाइज किया हाइब्रिडाइज करने के लिए क्या होता है सिंपली यहाँ पे कुछ मीडियम काम में लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट इलेक्ट, इलेक्ट्रिक करंट तो क्या करते हैं कुछ स्पीसीज का हो जाती है कुछ प्लाट्स के साथ क्या हो जाता है हाइब्रेडेशन हो जाता है ठीक है इस रिकॉमेंडेंड हमने क्या इंसर्स किया, किया वही कुछ चेंज करके इलेक्ट्रिक करंट या कैसे भी इंसर्शन हुआ अब हमें कैसे पता पड़ेगा कि इस सारे बैक्टीरिया के अंदर इंसर्शन हुआ या नहीं हुआ हमें अब काम में आएगी कौन सी प्रॉपर्टी काम में आएगी एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस वाली प्रॉपर्टी ठीक है हम एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट प्रॉपर्टी के साथ में क्या देखेंगे कि ये जो बैक्टेरिया क्रोमोजोम है ये जिस जिस जिसके सेल के अंदर गया है ठीक है ये बैक्टीरिया क्रोमोजोम ठीक है और ये प्लाज्मिड का है ठीक है ये क्लोन करेगा ठीक है तो वो बैक्टीरिया वो प्लाज्मेट ठीक है वो प्लाज्मेट जिनके अंदर क्या करेगा बैक्टीरिया कल्चर हो रहा है ठीक है कल्चरों के हमने क्या किया एंटीबायोटिक डाल दी तो वो रेस्टेंट एंटीबायोटिक जीन पे कल्चर हो रहा है वहां पे क्या हुआ वो क्या करेगा ओनली बैक्टेरिया कटेंगे कॉम्बिनेट डीएनए ग्रो करेंगे और बाकी बाकी करेंगे बाकी जो होंगे बैक्टीरिया बैक्टेरिया हो किल हो जाएंगे तो हमें जो डीएनए मिलेगा जो प्यूरिफिकेशन पे वो क्या मिलेगा वो सारा डीएनए क्या होगा सारे के सारे प्लाज्मेट में क्या होगा सारे के सारे क्लोन के अंदर क्या होगा ओनली क्या होगा होगा लेकिन हाँ कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि किड क्या हुआ? क्या हुआ ही गया, हो। ही गया जो था जिसके अंदर थी जिसमें कुछ नहीं हो वो भी गया हो, लेकिन उन्होंने इसके लिए क्या किया एडवांस किया अपनी टेक्नोलॉजी को ठीक है समझ में आया तो एंटीबायोटिक रेस्टोरेंट यो शो कर रही है ये शो कर रही है कि जो आपका फॉरन डीएनए था उसमें प्रॉपर्टी है क्या फॉर एन डीएनए की उस प्लाज्मा के अंदर ठीक है So, में आया इतना ओके फाइन डन एंडेड आई होप लेक्चर अच्छा लगा होगा प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब ठीक है और कोई भी दिख...